नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय खड़े हैं सिग्नेचर ब्रिज पे और हम आपको इस समय लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि लगातार दिल्ली के लिए खतरा बना हुआ है, यानी जमुना के स्तर के उस की बात कर रहे हैं जो जमुना का जल लगातार बढ़ता जा रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पूरे में इस समय वजीराबाद का जो यह एरिया है, यह जो सामने आपको पुल दिख रहा है वजीराबाद का, यहाँ के सारे फाटक खोल दिए गए हैं क्योंकि यहीं से पूरे दिल्ली को सप्लाई है पानी की और उसी को रोक के यहाँ से दिल्ली की सप्लाई दी जाती है पानी की। मगर इस समय दिल्ली में सारे ये जो सिग्नेचर ब्रिज के पास में वजीराबाद का जो यहाँ पे बैराज है उसके सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं ताकि पानी कहीं भी रुके ना। यह लगातार दिल्ली के पीछे के जो राज्य हैं, हरियाणा हो, पंजाब हो और उत्तराखंड हो, साथ ही साथ हिमाचल में जिस तरीके से आफत बरस रही है उसकी वजह से दिल्ली में लगातार बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इतना जल, इतना पानी जुलाई के ही पहले हफ्ते में दिल्ली में आना यह खतरे की घंटी बन चुका है दिल्ली के लिए। इस समय दिल्ली सरकार के हाथ पैर फूले हुए हैं और साथ ही साथ दिल्ली के LG साहब भी लगातार इस आफत से दिल्ली को बचाने में लगे हुए हैं। LG साहब हो या दिल्ली के CM साहब हो, दोनों ही इसकी लगातार निगरानी कर रहे हैं। कारण है कि जिस तरीके से इस समय बाढ़ की स्थिति दिल्ली में पैदा हो गई है, लोहे वाला पुल बंद कर दिया गया है लोगों के आने जाने के लिए, जो उस पर रेलवे ट्रैक है उस पर सारे तरीके की आवाजाही रेलों की बंद कर दी गई है। यह नज़ारा अक्सर सितंबर के शुरुआत में देखा जाता है, यानी अगस्त और सितंबर के एंड में, मगर जुलाई के पहले ही हफ्ते में यह हालत है और लगातार जल बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और इसी कारण आसपास के इलाके जितने भी हैं वो सारे खाली करा लिए गए हैं। काम जितने भी यहाँ पे चल रहे थे, चाहे वो मेट्रो का हो या आसपास के जो पुल बन रहे हैं, सभी काम रोक दिए गए हैं। और हम एक चीज़ आपको और दिखाते हैं, सामने यहाँ पाकिस्तान से आए वो शरणार्थी हिंदू लोग हैं जो यहाँ पे अपनी शरण लेके इसी पुल के पास जो ये बन रहा है इसी के साथ में जंगलों में रहते हैं, वो भी यहाँ से प्लान कर चुके हैं, उनको भी यहाँ से ऊपर की साइड शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसा ही नज़ारा अमूमन उस्मानपुर में भी है, जो यमुना बाजार है वहाँ पे खतरे की घंटी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहाँ के भी जो लोग निचले इलाकों में रह रहे हैं उनको भी ऊपर इलाकों में आने के लिए बोल दिया गया है। किसी को ये साफ साफ सबको ये बोल दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति नीचे के जमुना के किसी भी निचले इलाके में ना रहे, बाढ़ का पानी कभी भी आपको तबाही का मंजर दिखा सकता है। ऐसा ही आसपास के दिल्ली के जितने भी एरिए हैं, चाहे वो गीता कॉलोनी हो, चाहे वो शास्त्री पार्क हो, उस्मानपुर हो, गढ़ी मैंडू हो, सभी में धीमे धीमे अब पानी घुसने लगा है और अभी 3 लाख से ज़्यादा क्यूएस पानी यहाँ से जो हथनीकुंड बैराज है हरियाणा का वहाँ से छोड़ा गया है और अभी और लगातार बारिश की वजह से वहाँ से पानी और छोड़ा जाएगा। अब आप सोचिए दिल्ली के हालात कैसे होंगे, हम आपको इसकी दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जो कि उस्मानपुर और यमुना खादर का जो एरिया है गढ़ी मैंडू, वहाँ की तस्वीरें भी आप देखिए एक बार। दूसरा पहलू हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे सिग्नेचर ब्रिज के हम दूसरे साइड दिखा रहे हैं और ये पूरा उस्मानपुर यमुना खादर एरिया आता है और देखिए किस तरीके से यहाँ पे यमुना जी उफान पे हैं। साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले ये देखिए यहाँ पे सफाई के लिए दिल्ली के LG साहब की तरफ से यहाँ पे यमुना की सफाई चल रही थी और यह पूरा एरिया सफाई का, यहाँ पे कंटेनर लगाए गए थे, यहाँ पे बोट थी, यहाँ सब कुछ ऐसे चीज़ें थी जिससे यहाँ से यमुना की सफाई हो रही थी। मगर आज कहते हैं ना, कुदरत के आगे सब कुछ फेल है, कुदरत ने अपने आप को खुद ही इस यमुना जी को साफ कर दिया। ना किसी नेता की जरूरत है, ना किसी LG साहब की जरूरत है और ना ही किसी CM की जरूरत है, सब कुछ साफ हो चुका है। और साथ ही साथ यह जो गढ़ी मैंडू है यह उसका सारा, ये वन विभाग का एरिया है और ये सारा पूरा इस समय जल से मग्न हो चुका है। देखिए ये सारा पानी अब धीमे धीमे यमुना खादर का अब सीधा उस्मानपुर, गढ़ी मैंडू और पुस्ते वाले एरिया में जा रहा है जो कि शास्त्री पार्क से लेके खजूरी तक का जो एरिया है वहाँ पे लगातार जल स्तर अब बढ़ता जा रहा है और धीमे धीमे यह बाढ़ की स्थिति अब इस एरिया में पैदा होने लगी है। लोहे का पुल बंद है, हमने आपको पहले बताया, उस पर सारी आवाजाही रोक दी गई है। अब सिग्नेचर ब्रिज पे हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है
और बड़े पैमाने पे अब जो कि जमुना जी का जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और अभी हथनीकुंड बैराज से और जल छोड़ा जा रहा है और पानी छोड़ा जा रहा है, क्योंकि लगातार हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, लगातार बारिश की जो आफत है वो लगातार बरस रही है आसमान से और उसके ही कारण दिल्ली में लगातार यमुना का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे आपातकालीन स्थिति इस समय बाढ़ की होने वाली है। क्योंकि यह अक्सर देखा गया है कि यह सितंबर यानी अगस्त और सितंबर के मिड में यह आता है, अगस्त एंड होता है या सितंबर शुरुआत होती है तब थोड़ी बहुत बाढ़ की स्थिति होती है, मगर अभी जुलाई के शुरुआत में ही एक दो बारिश ने ही दिल्ली का ये हाल कर दिया है। पीछे से लगातार जो पीछे के राज्य हैं, पंजाब हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो और साथ ही साथ हरियाणा, जहाँ से हथनीकुंड बैराज पानी जहाँ से छोड़ा जाता है हमेशा, वहाँ से लगातार पानी आ रहा है और इसी कारण ये यमुना जी का स्तर बढ़ता जा रहा है और इसी कारण अब आसपास के जितने इलाके हैं वो खाली करा लिए गए हैं। हम आपको वहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि यमुना के किनारे उस्मानपुर गांव हो, यमुना खादर का गड़ी मेंडू गांव हो और ऐसी जो जगह हैं वो सभी खाली करा ली गई हैं और वहाँ पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है कि अपने आप ऊँचे इलाकों में चले जाइए, अन्यथा अगर बाढ़ में आप फंसते हैं तो आपकी जान माल का नुकसान हो सकता है। इस समय हम खड़े हैं उस्मानपुर तीसरे पुश्ते पे और ये देखिए, ये यमुना खादर का वही एरिया है जहाँ पे यह सारा वन विभाग का एरिया कहलाता है, यह गड़ी मेंडू गांव का वन विभाग के एरिया कहलाता है और इस समय देखिए ये बैरिकेडिंग कर दी गई है पुलिस के द्वारा और तीसरा पुश्ता, दूसरा पुश्ता, पाँचवा पुश्ता, यह सारा अब धीमे धीमे पानी की चपेट में आ रहा है, यह पानी लगातार धीमे धीमे बढ़ रहा है। पुलिस ने यहाँ बैरिकेडिंग कर दिया ताकि कोई भी इस सड़क पे आगे ना जा सके, क्योंकि यहीं से लोग डेली शाम को घूमने के लिए आगे इन्हीं जंगलों में जाते थे, सुबह शाम की वॉकिंग यहीं होती थी, मगर अब यह पूरा एरिया पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। और एक चीज़ हम आपको और दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे यह पूरी पार्किंग एरिया है, इसी के साथ साथ पाँचों पुश्ते पे भी ऐसे एक पार्किंग एरिया है जहाँ पे इस एरिया के सारे लोग अपनी गाड़ियाँ लगाते हैं क्योंकि अंदर पार्किंग की दिक्कत उनको होती है, मगर इस समय यहाँ की सारी पार्किंग खाली करा ली गई है। कारण यही है कि जिस तरीके से लगातार जल बढ़ रहा है, यह पानी का फ्लो अब धीमे धीमे इस पूरे पुश्ते की तरफ बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ देर पहले जब हम यहाँ आए थे, करीब 2-3 घंटे पहले, तो यहाँ का जलस्तर इतना नहीं था, मगर अब ये बढ़ता जा रहा है और उम्मीद की जा रही है जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है और लगातार और छोड़ा जा रहा है, उससे रात को यह जलस्तर हो सकता है पुश्ते के बिल्कुल ऊपर तक टच कर जाए। हालांकि खतरे की बात नहीं है यमुना के इस पार, खासकर पुश्ते एरिए में अभी ऐसी कोई बात नहीं कि यह जल उस पार जाएगा, मगर हाँ ये हो सकता है कि यह पुश्ते के काफ़ी हद तक टच कर जाए या वहाँ तक पहुँच जाए। आप खुद देखें किस तरीके से यह पूरा पानी, यह सारा जो यहाँ पे एरिया था यह सब सूखा था। यहाँ पे जब बाढ़ आती है, जब ऐसा पानी आता है तभी यहाँ पे ऐसी स्थिति होती है और इस समय अमूमन वही स्थिति यहाँ हो चुकी है और पूरे एरिया में यहाँ पे बाढ़ की स्थिति हो चुकी है। यहाँ पे सांसद मनोज तिवारी के द्वारा जो झील बनाई जा रही थी, जो यहाँ पे यमुना रिवर फ्रंट बनाया जा रहा था, वो भी अब धीमे धीमे इसकी भेंट चढ़ चुका है और वो डूब चुका है। यहाँ पे ऐसा जो काम चल रहे थे वो सारे बंद हो चुके हैं और वो सभी इसमें डूब चुके हैं। यानी आने वाले कुछ घंटों में जैसे जैसे पानी दिल्ली में एंट्री करेगा वैसे वैसे यहाँ पे जलस्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वजीराबाद का जो पुल है वहाँ से सारे फाटक खोल दिए गए हैं। ऐसा ही ITO पे भी है और ऐसा ही जो निज़ामुद्दीन है और कालिंदी कुंज है, इन जगहों पे भी सारा पानी के जो फाटक हैं वो खोल दिए गए, कहीं भी कोई पानी रोका नहीं जा रहा है, ये सारा दिल्ली से बाहर जा रहा है, मगर उसके बाद भी लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। NBHAT TV उस्मानपुर दिल्ली।